हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ अली, आप देख रहे हैं हिल्दौनी ख्वाजा फर्नीचर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी आरा मशीन की आरी भी ठीक है, उसकी बेल भी ठीक है, तब भी आरे आपके भाग रही है। और दूसरी बात, हम सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, धार भी अच्छे लगा रहे हैं, बेल भी अच्छे कर रहे हैं, इसके अंदर बेरिंग भी हमारा आरे से मिलकर चल रहा है। इसके जो सेट के पत्ते हैं, ये वाले बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही चल रहे हैं, फिर भी हमारी आरी भाग रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इससे आगे की बात करने वाले हैं। मैंने सब आपको बता चुका हूँ कि आप इस तरह से करेंगे तो आपकी जो बैंडसा मशीन है बिल्कुल सही चलेगी। इसके बाद दोस्तों, हमारी बैंडसा मशीन फिर भी सही नहीं चल रही है और आरी एक कभी इस सेट को जा रही है, कभी इस सेट को भाग रही है। तो दोस्तों, क्या कमी रह जाती है वो आगे हम आप बताने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले नई दोस्तों से गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जी वीडियो मेरी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है अगर आपकी आरी भी ठीक है, बेल भी ठीक है, बेरिंग भी आरे से मिलके चल रहा है, पत्ते भी ये सेट वाले हैं ये भी ठीक हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारी आरी फ्री भाग रही है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना पूरा ये आरी का जो है, आरे उतार के आपके पास एक सीधी फंटी हो, जैसे मेरे पास अभी है सीधी फंटी रखी है, आप ये ले लें या फिर जो एल्यूमिनियम की फंटी आती है आप वो ले लें, ठीक है। कोई सी एक फंटी ले लें, बिल्कुल सीधी प्रॉपर देखें, सीधी होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, हमारी ये जो बिल है, मैं एक बार आरे उतार लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आरे उतार ली है, आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो घूमता पहिया और नीचे वाला जो पहिया आई वाला। दोस्तों, आपको ये देखना कि आपके ये दोनों पहिए एकदम बिल्कुल सेंटर में चल रहे हैं, सोहल में चल रहे हैं, आगे पीछे तो नहीं चल रहे हैं। जैसे ये वाला आगे हो गया, ये वाला बहुत पीछे हो गया, तो या फिर ये इस वाले पहिए में ऐंट तो नहीं है, मतलब ऐंट से मतलब हो गया ये सिरा आगे तो नहीं है या पीछे तो नहीं है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, ये फंटी है, मैं फंटी लगा के आपको दिखाता हूँ। मेरे यहाँ जो आरी चल रही है, बैंड से मशीन चलती है कि वो क्या चलती है। दोस्तों, यहाँ से हम फंट से फंटी लाएँगे, ये दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर तरीके से बिल्कुल बिल से पहिए से मिल गया, और यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं पहिए से मिल गया। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी टक्कर पहिए से मिल गई है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरी आरी जो है बैंडसा मशीन की आरी एकदम बिल्कुल सेट चलती है, ना तो कभी कोई दिक्कत आती है और ना ही ज़्यादा आरी टूटती हैं। आरी जब टूटती हैं दोस्तों, हमारी आरी जब टूटती है बहुत ज़्यादा कि हमारी बैंडसा मशीन प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है, बार बार आरी यूँ टूटती हैं कि हमारी ये बिल जो है, आपको मैं दिखाता हूँ ये आड़ा कैसे कहते हैं, मैं आड़ा करके दिखाता हूँ आपको। अभी मेरा बिल्कुल बैंडसा मशीन बिल्कुल सेट है, मैं आपको आड़े करके दिखाता हूँ। जैसे हम इससे बोलते हैं ये वाला, इससे बहुत ज़्यादा जैसे उंगली कर रहे हैं इसमें, बार बार कभी ढेला कर रहे हैं, कभी टाइट कर रहे हैं, तो ये आड़ा भी हो जाता है। ये आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कम बढ़ते हो गया, और वहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं काफ़ी गैप आ गया ये यहाँ पर, ठीक है, समथिंग 3 सूत खोल गया। तो दोस्तों, ये 3 सूत खोल गया, हम इसको बिल्कुल जैसे है वैसे आने देता है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये करा। ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी इस हाथ से मिल गई, ठीक है। ये आपका बिल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों, हमारा दूसरा जो है, अगर आपका ये वाला जो पहिया है अगर सेट नहीं बैठ रहा, तो इसको जो है सेटिंग करने के लिए यहाँ पर चाल दी जाइए। दोस्तों, यहाँ पर चाल दी जाती है यहाँ पर, इसको हंस तो इसको हम ढीला करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो नट और आते हैं यहाँ पे चाल के लिए, एक ये एक ये, तो ये दोस्तों हाथ का हल्का से उठाएंगे या कम करेंगे, आपका यहाँ से भी ये जो बिल है वाला बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये इस तरह से आपकी जो आरी की सेटिंग है बिल्कुल ठीक बैठेगी, और अगर गुनिया में आपकी ठल है तब भी सही बैठेगी। तो दोस्तों, इस तरह से आपका अगर ये दोनों चक्के सेट हैं, बिल्कुल बराबर चल रहे हैं फंटी के लेवल में, तो आपकी आरी जब भी सही चलेगी, ठीक है। दोस्तों, जैसे मेरे यहाँ आरी सही चलती है, इनके जो दोनों व्हील हैं, जो पहिए हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एकदम बिल्कुल फंटी के अंदर हैं, ठीक है। दोस्तों, हम इस तरह से अगर सेट करके आरी चलाएँगे तो बिल्कुल ठीक चलेगी। इसके बाद दोस्तों, मैं जो है आरी खींच देता हूँ और ये गुनिया भी दिखा देता हूँ, गुनिया में प्लेट आपकी है कि नहीं है, ये वाली जो प्लेट है गुनिया में है कि नहीं है। चलिए मैं आरी खींच लेता हूँ पहले, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, मैंने बैंडसा के अंदर जो है आरी खींच दी है। आरी खींचने के बाद दोस्तों,
ये फिर इसके बाद प्लेट भी हमें चेक कर लें एक बार, अगर आपकी ये प्लेट सेट नहीं बैठ रही है तो इसको भी सेट कर लें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको गुनिया लगा दिखाता हूँ। जैसे हाँ मेरे यहाँ ये दिख सकते हैं, मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ। सेट से नहीं, साफ नहीं आ रही पिक्चर, इसी सेट से दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से पूरा एकदम गुनिया में है। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल गुनिया में है। ठीक है, अगर मैं इस तरह से आरी चलाऊंगा, बेल भी आपके ठीक है, बेल भी ठीक है और सब कुछ ठीक रखेंगे तो आपकी जो बैंड सा मशीन है उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी चलती होगी। अगर नहीं चल रही है तो आप इस तरह से करें, आपकी बैंड सा मशीन बहुत अच्छी चलेगी, ना ज़्यादा आरी टूटेंगी और ना ही ज़्यादा आरी भागेगी। दोस्तों थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ तो 2 से 3 महीने आरी चलती मेरी, अगर बहुत ज़्यादा काम करूँगा तो 20 से 22 दिन जो है बैंड सा मशीन की आरी प्रॉपर तरीके से चलती रहती है, धार बेल अच्छे रखूँगा तो। ठीक है दोस्तों, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। दोस्तों अच्छी लगी हो तो भी लाइक करें, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। ठीक है दोस्तों, अपना फीडबैक जरूर देके जाएं। थैंक यू दोस्तों।